इसको से ग्रिल किया जाता है प्रॉपर यूएफओ मशीन में। ये थोड़ा वो डोरेमोन जैसा डोरा केक जैसा नहीं लग रहा? ये अपना इंजन आ गया, इंजन के अंदर टेल डालते हैं, ये टेल में इंजन डाल रहे हैं भाई साहब, वाह। तो सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको मिलाने लाए हैं एक पायलट से, पायलट एज इन एक यूएफओ बर्गर हमें लुधियाना में देखने को मिला, हम उसके पायलट से आपको मिलाने के लिए लाए हैं और दिखाएंगे उसकी मेकिंग और हम आपको उस यूएफओ में सैर कराने के लिए लेके जाने वाले हैं। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करा दो और आइए फ्लाई करने चलते हैं। तो सबसे पहले ब्रदर अपना नाम बता देंगे? केशव साही। केशव, आपकी एज क्या है? 17। और 17 ईयर्स की एज में आप फूड कार्ट रन कर रहे हैं? हाँ जी। और आप बना क्या रहे हैं अभी? जी बर्गर्स। बर्गर, ये कोई स्पेशल तरह का बर्गर बना रहे हैं? हाँ जी, यूएफओ बर्गर। यूएफओ बर्गर, ऐसा क्या है इसमें कि इसको आप यूएफओ बर्गर बुलाते हैं? इसको ग्रिल किया जाता है प्रॉपर यूएफओ मशीन में, तो उससे प्रॉपर शेप आ जाती है और उससे बाहर नहीं गिरता आपका बर्गर। बाहर नहीं गिरता बर्गर, तो आप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि बर्गर बाहर गिर जाता है जो खाते हैं। तो अभी आप ये क्या लगा रहे हैं इसमें? ये सॉसेज है, एक मेयोनीज है और तंदूरी सॉस है। अच्छा जी। यूएफओ आपका फ्लाई भी करता है कि ऐसे ही है? हाँ जी हाँ, उड़ेगा उड़ेगा उठेगा। आप पायलट हैं? हाँ जी। इसका फ्यूल वगैरह क्या होता है? टैंक तो है, ये बर्न है, ये फ्यूल डल गया। अच्छा जी। तो इंजन? इंजन इंजन अभी गर्म हो रहा है। इंजन गर्म हो रहा है, मतलब इंजन के अंदर तेल डालते हैं, ये तेल में इंजन डाल रहे हैं भाई साहब, वाह। हाँ जी। तो आपने ये जो रेसिपीज वगैरह है सब अपने आप सीखी है यूट्यूब वगैरह से, कैसे करते हो? खुद एक्चुअली काफी टाइम से बर्गर्स में आता था घर पे वैसे अपने खाने के लिए। अच्छा जी। तो उसको प्रोफेशनल वे में ले आए हम। तो जब आपने ये फाइनली डिसाइड किया कि आप प्रोफेशनल वे में लाने वाले हो, तो आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? बढ़िया था, उल्टा सपोर्ट करते हैं सारे। तो आप अभी अपना यूएफओ बर्गर बना रहे हैं, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 30 रुपीज। 30 रुपीज का। अलग अलग प्राइजेज हैं हर, लाइक नूडल बर्गर, आलू टिक्की बर्गर, डबल आलू टिक्की बर्गर, चीज बर्गर, अलग अलग रेंज में अलग अलग होते हैं। और आपका बेस्ट सेलिंग बर्गर कौन सा? आलू टिक्की बर्गर, मैकडी स्टाइल आलू टिक्की बर्गर। तो अभी हमारा गर्म हो रहा है इंजन, टिक्की मतलब हमारी गर्म हो रही है इंजन। ये आ गया हमारा इंजन, आलू की जो टिक्की होती है वो है इंजन। तो ये हमारे बर्गर का इंजन है। ये वैसे आपको आइडिया कैसे आया यूएफओ बर्गर का? आ गया दीदी, बैठे 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 आ गया। ये देखो आप पे है। इसमें और भी कुछ आता है? इंजन तो आ गया, ये इंजन आ गया दी, ये छोटे मोटे पार्ट्स आ गए। अच्छा, ये इंजन आ गया, फ्यूल आ गया। अच्छा। अभी प्याज वगैरह वो नवरात्रों करके प्याज वगैरह डाल नहीं रहे। अच्छा, अगर चाहिए तो डाल जाएगा। तो यार प्याज, ये कौन सा पार्ट है हमारे यूएफओ का? ये स्पेशल पार्ट्स है। स्पेशल पार्ट्स ये बताए नहीं जाते। बताए नहीं जाते, वाह। तो हमारा प्याज आ रहा है अभी हमारे यूएफओ बर्गर के अंदर और देखने में अभी इतना टेस्टी लग रहा है, क्या बात है। आपको कुकिंग का बचपन से शौक था? हाँ जी दीदी। वाह। कुछ यूट्यूब से, कुछ मम्मा से। टिक्कियाँ वगैरह पहले मैंने बनाई, वही रेसिपी फिर मम्मा ने एडिट की। आप वीडियो एडिट करते हो, हमारे मम्मा रेसिपी एडिट करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब आपके रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा दीदी, यहाँ पे सब आपको देख के बड़ा खुश होते होंगे यार। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह भी आते रहते हैं मेरे। अच्छा, स्कूल फ्रेंड्स? स्कूल टीचर्स भी आते हैं मेरे। अच्छा, वो भी बड़ा करते होंगे ना, खुश होते होंगे बड़ा देख के। हाँ जी। ये अपना इंजन आ गया, ये अपना इंजन आ गया, अरे वाह। तो हमारे यूएफओ के पायलट ने, अब ये फ्यूल होगा, ये एक्स्ट्रा फ्यूल है, एक्स्ट्रा फ्यूल है। ये अपनी तंदूरी सॉस, ये तंदूरी सॉस है। और आपने इसमें मयो भी डाला था ना अभी? हाँ जी। तो दो तरह के इसमें इंजन ऑयल आ चुके हैं हमारे यूएफओ बर्गर के अंदर। फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल इमरजेंसी के लिए, एक्स्ट्रा फ्यूल इमरजेंसी के लिए। इसको खा के बंदा उड़ तो नहीं जाता ना? सच्ची बंदा नहीं उड़ता, कभी कभी बर्गर उड़ जाता है। बर्गर उड़ जाता है। आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है यहाँ पे? 5 to 10। 5 to 10 मिश्र कर दी, सामने डोमिनोज है, सामने स्पेस फूड है। ओके, ओरिगानो। हाँ जी जी। और साथ में आ गए चिली फ्लेक्स। वाह यार, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है यार। ये आ गया बन उसके ऊपर। तो आप इसको सील कैसे करते हो कि ये गिरे ना? पूरी जादू करते हैं। जादू करते हैं, वाह भाई। अब ये सील होगा ताकि जब बंदा इसको मुंह में डाले तो दूसरी तरफ से गिर ना जाए। इसकी ऑलमोस्ट शेप भी वैसी ही आ जाएगी, आप देखेंगे। अभी गर्म हो गया है, ग्रीसिंग हो रही है ताकि हमारा यूएफओ बर्गर चिपक ना जाए। 30 रुपीज प्राइस है इसका, 50 रुपीज के भी बर्गर यहाँ पे है। यूएफओ बर्गर का प्राइस 30 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और ये देखो, सील होने के लिए हमारा बर्गर जा रहा है। कितना टाइम लगता है इसको? 1 मिनट। 1 मिनट से कम टाइम में ये बर्गर सील हो जाएगा और जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि खाते टाइम गिर जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा वो डोरेमोन जैसा डोरा केक जैसा नहीं लग रहा? हाँ जी, वैसा ही लग रहा है। ये शेप आ रही है डोरा केक्स खा।
आता है डोरेमोन वैसा। किस किस ने डोरेमोन देखा है नीचे कमेंट करके बताना। ये इसकी बिल्कुल वैसी शेप आ गई है और ये हमारा दूसरा बर्गर जा रहा है। फिर से इसको एक मिनट से कम टाइम में बन के आने वाला है। सारे आ चुके हैं यहाँ पे बर्गर चार और आप देखिए कितने अच्छे सील हो चुके हैं। पकड़ के रखने पड़ते हैं, उड़ जाते हैं, पकड़ के रखने पड़ते हैं, पकड़ के रखने पड़ते हैं, उड़ जाते हैं। हाँ जी। अरे वाह। और ये हमारे UFO स्टेशन पे तैयार हो चुके हैं। ये आ रहा बर्गर हमारा। हाँ जी भैया, रास्ते में बंद हो गया कहाँ से लाओगे। मतलब पूरी चीजों का ध्यान रखा हुआ है कि टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक कोई प्रॉब्लम ना आए बर्गर में। तो ये देखो हमारा UFO बर्गर आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ से सील है और साथ में ये कह रहे थे इन लोगों ने हमें एक्स्ट्रा फ्यूल दिया, दो तरह का फ्यूल, ताकि अगर ये बाई चांस रास्ते में फ्यूल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा हमारे पास हो। तो अब हम इसको फटाफट से टेस्ट करके देखते हैं। इसको खा के तो भाई बंदा सही में फ्लाई कर जाता है। अगर आप भी फ्लाई करना चाहते हैं और UFO बर्गर ये 30 rupees का ट्राई करना चाहते हैं तो लोकेशन वगैरह हमने मेंशन कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लेना, वहाँ भी मेंशन करेंगे। और तब तक के लिए वादा कीजिए नशा ना पियो ना खाओ और अब रखा जाओ।